एक और न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है, इसमें हम जा रहे हैं और भाई साहब तो चले गए। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस काफी खतरनाक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधा रानी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं विथ विलेजर बॉय। तो आज का दिन मैं स्पेंड कर रहा हूँ अपने ओल्ड जो डे थे उसी तरह से। कोशिश करता हूँ कि इन बच्चे लोगों के साथ बकरियाँ चराने जाऊँ, जो गायें चराने गए उनके साथ जाऊँ। तो आज का दिन पूरा का पूरा गाँव में घूमने वाले हैं। और अभी व्लॉग की शुरुआत ले ली, फ्रेश होके चाय वगैरह पी ली थी, तो भाई साहब हमारे लिए चाय लेके आए थे। और अभी यहाँ से व्लॉग का स्टार्ट लिया जहाँ पे फ्रेश होते हैं। तो अभी चलते हैं इनके जो खेतर लगे हुए, या फिर हम बोलते हैं फील्ड लगी हुई है, वो घूमने के लिए चलते हैं। और आज गांव का एक्सपीरियंस मैंने सोचा लेके देखूं और आप लोगों के साथ भी शेयर करके देखूं कि भाई गांव के जो बच्चे लोग हैं और जो उनकी कौन कौन सी यहाँ पे फील्ड लगाई हुई है वो हम विज़िट करते हैं। सो लेट्स एंजॉय वीडियो। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही न्यू ब्लॉग देखने के लिए। रायचंद भाई का धन्यवाद है जो उन्होंने हमें अपने दिल में जगह दिए। तो ये उनका गांव है और इनकी ये उनका घर इस तरफ। तो आज भाई हमारे साथ चलेंगे। रायचंद भाई तो वैसे अपने टीए पे होते हैं, वो तो पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन उनकी जो बनी है यहाँ पे मंदिर है माता रानी का, तो वहाँ पे हम रिहाइश करते हैं। और अभी इनके जो ट्वेल लगे हुए हैं यहाँ खेती बाड़ी लगी हुई है, वहाँ पर घूमने के लिए चलते हैं। तो ये है गेट अंगर पार्कर में, ऐसे जो साइडों में दायरा लगाया हुआ है और एक गेट बनाया हुआ है जहाँ से हम इंटर हो सकते हैं कि फील्ड में बकरियाँ वगैरह नहीं आ सके। तो भाई साहब मेरे साथ हैं, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है? आशू लगा वालो। यहाँ पे ओनियन भी लगाई जाती है और बाजरा तो ऑलरेडी लगाया हुआ, मकई नहीं, सॉरी मैंने पहले मकई नाम लिया, बाजरा और ओनियन भी लगाई जाती है, मिर्ची भी लगाई हुई है, बैंगन भी लगाए हुए हैं। वो सारे के सारे विजिट करते हैं, मैंने देखे नहीं थे, लेकिन अभी रायचंद भाई की फील्ड में पहुँच चुके हैं। ये देखें यहाँ से बहुत ही मस्त फील्ड हुई है। और ओनियन लगाने का तरीका यहाँ पे अलग है, हमारे वहाँ तो कुछ और ही तरीका है, लेकिन यहाँ पे उससे ज़्यादा डिफरेंट नज़र आ रहा है यहाँ पे जो ओनियन लगाने। यहाँ पे लाहौरी गज्जर भी लगे हुए हैं, देखें ये ओनियन प्याज और ये लाहौरी गज्जर। तो गाइस हमारे यहाँ तो छोटी छोटी, मतलब कि ये पूरा का पूरा प्लॉट बना हुआ है ना, उसमें तकरीबन 6 से 7 वो बनेंगी, लेकिन यहाँ पे एक ही बना हुआ है। हाँ, सारी की सारी ओनियन लगी हुई है यहाँ पे, देखें। तो ये प्लॉट बहुत बड़े बनाए हुए हैं, यहाँ से अब निकालेंगे। ये बिल्कुल डिस्टेंस है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत नज़दीक नज़दीक होती है। तो यहाँ पे ये प्लॉट भी बड़े बड़े बने हुए हैं और यहाँ पे ये काम कर रहे हैं, अभी खेतों में काम कर रहे हैं। देखें ये पूरी पूरी ओनियन लगी हुई है, लेकिन ये प्लॉट छोटे छोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े हैं, ये देखें काफ़ी डिफरेंट। ये अपना पानी ट्रांसफ़र होता है, सारा का सारा यहाँ से ट्रांसफ़र होता है। ये रायचंद भाई वालों का ट्वेल लगा हुआ, ट्वेल है ना, इसको बोलते हैं ट्वेल। और दूसरा यहाँ पे सब्जियाँ तो बहुत हैं यार, सब्जियाँ आप देखो, ये टूरी लगी हुई है, यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ। तो रायचंद भाई वालों का ठिया है सब्जी का और फ्रूट्स का। तो सब्जी तकरीबन यहाँ से जाती है, बैंगन हो गए यहाँ से जाते हैं, तूरी हो गई यहाँ से जाती, ताज़ी तूरी। अभी आगे चलते हैं इस तरफ। तो अभी बकरियां हम लेके निकलते हैं और बकरियां चराने के लिए चलते हैं। तो ये बकरियां भी अपनी जगह से निकल चुकी हैं। भाई आप जाओ मुझे पानी पिलाओ पहले, बहुत प्यास लगी है। और अभी बकरियां भी निकल चुकी हैं यार। नरबू नाम, नरबू भाई के साथ मैं आज निकल रहा हूँ। और आप देखते हैं भाई नरबू भाई के साथ अपना पुराना एक्सपीरियंस, आज से 7 साल पीछे चले जाए तो आई हैड सेम कुल्हाड़ी, सेम पानी की बोतल। लेकिन वो तो भाई बाहर साइड का एक्सपीरियंस था, लेकिन यहाँ का पहाड़ों का एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होगा। तो भाई देखते हैं जो होता है, आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप यू विल एंजॉय। भाई साहब मेरे लिए पानी लेके आए, तो पानी पी लेते हैं, थैंक यू। तो भाई साहब अभी जाएंगे किसका? ये में जा रहे हैं हम, तुम जाओ चाहे आप बनी पे जाओ। और अभी हम इस तरह चुके हैं झाड़ियों में और यहाँ से
भाई आगे चले गए, मैं पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो ये तगड़े वाला एक्सपीरियंस हो रहा है भाई, धूप भी निकल चुकी है और हम ऊपर भी आ चुके हैं। क्या है यहाँ पे? डैम है। यहाँ पे डैम है, हमने ये बना हुआ है और ये एक डैम है, उस तरफ है पानी जी। चलो भाई इस तरफ चलते हैं। और मज़े वाली बात आपको मैं बताऊँ, यहाँ पे ये मोबाइल चलते हैं, यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन इतने खास नहीं नज़र आते क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बहुत सारा इशू है, सिर्फ टेलनोर नेटवर्क चलता है। और इससे भाई साहब गुजरिए ले भाई, तो भाई साहब ये फ़ोन लेके निकलते हैं, बकरियाँ उस तरफ चली गई, हम इस तरफ जा रहे हैं। तो गाइस म्यूज़ियम हमने देखा था मिस्किन जान खान खोसो, तो ये है मिस्किन जान खान खोसो डैम का नाम। निकलते हैं आगे, डैम हमने देख लिया, यहाँ से अभी रास्ता है। नरपो भाई हमें पूरा का पूरा विजिट कराने वाला है आज, हमारा जो एक पक्का विलेज एक्सपीरियंस बकरियां चराने वाला। तो आज हम बकरी वाले बन चुके हैं यार, कुछ नहीं है ये लाइफ स्पेंड करना, हम कौन सी परमानेंटली जी के आ चुके हैं, लेकिन आज पुराने वो अपने दिन याद करके तो इनके साथ ही अपनी खुशी शेयर कर लेते हैं। और इनको भी मस्त लग रहा है, मिल गई बकरियाँ अपनी जगह पे घूम रही। यहाँ पे ये डर नहीं होता कि बकरी वहाँ पे चली जाएगी वहाँ पे चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे एज इट इज़ ग्रुप के साथ चलते हैं, उनके रास्ते हैं ना यहाँ पे आ गए हैं, अब जहाँ जाएंगी साथ जाएंगे, पीछे पीछे एक दूसरे के साथ घूमती है। अभी रेस्ट करते हैं, और भाई साहब तो पुराने हैं उनको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पता चल रहा है कि कितनी गर्मी और कितना थका हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुक लेते हैं, बकरियाँ इस तरफ जा रही हैं। ये बकरियों को चरने के लिए घास बहुत है, कभी घास ख़त्म नहीं होती है, देखें यहाँ पे घास बहुत है, बारिश हो या ना हो लेकिन यहाँ पे पानी चलता रहता है नेचुरली, तो पानी ख़त्म होने वाला नहीं है। बकरियाँ यहाँ देखें बड़े मज़े से जा रही हैं, निर्भो भाई बड़े मज़े से जा रहे हैं, पसीना सिर्फ मेरा ही छूट रहा है। यहाँ पे बिल्कुल नीचे आ चुके हैं और यहाँ पे हवा इतनी भी नहीं लग रही बिल्कुल भी, तो देखें बकरियाँ आगे आगे, हमें वहाँ पे जाना है टॉप। तो अब बिल्कुल ज़मीन पे आ चुके हैं नीचे बिल्कुल, अब यहाँ से आस्ते आस्ते घूमते घूमते ऊपर चढ़ेंगे। बकरी आगे चलती चलती जा रही है, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेंढक ही मेंढक है, ये वाटरफॉल है, ये डैम जो था ना मैंने आपको दिखाया वो डैम, आप यहाँ वाटरफॉल ये नज़र आ रही है आपको छोटी सी वाटरफॉल के, लेकिन यहाँ पे अपन धोएंगे हाथ मुँह क्योंकि मैं पूरा का पूरा गर्म हो चुका। कहाँ है इधर से चले? तो ये वाटरफॉल है, लेकिन अपन आगे चलते हैं फिर वहाँ पे हाथ मुँह धोते हैं। अभी यहाँ पे रेत आ गई है, अब देखो पत्थरों में भी रेत, कहाँ से ऊपर, अब देखो कहीं पहाड़ है, पत्थर ही पत्थर है, लेकिन यहाँ पे ये पहाड़ आया इसमें सिर्फ रेत ही रेत है। तो ये है अद्भुत नज़ारा इधर से भाई। बिरभू जी आज तो हमने अपनी जन्नत देख ली। ओहो हवा यहाँ पे लगी है। पहले भी हाथ मुंह धो लिए और यहाँ पे ये देख सकते हैं ये वाटरफॉल है और यहाँ से पानी जा रहा है। यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे अपने दोस्त बहुत हैं। ओ ये देखो कहाँ गए कहाँ गए, ये बैठे हैं देखो, मेंढक बड़े बड़े हैं कसम से, देखें ओ इधर भी बैठे हुए हैं। तो ये अपने दोस्त बहुत हैं, लेकिन पानी ये नेचुरली है, ये पत्थरों में से पानी बन रहा है पहाड़ों में से और नीचे फॉल्स हो रहे हैं। तो भाई साहब मेरे साथ हैं, इनको सब रास्ते पता हैं क्योंकि ये रहते हैं यहाँ पे, तो सब भी पता होगा यार हम अनजान हैं, अगर यहाँ पे मुझे छोड़ के चले गए इन कसम से यहीं घूमता रहूँगा। भाई ऐसा नहीं करना यार, नहीं नहीं
यहाँ से निकलते हैं, दो रास्ते हैं, इस तरफ है रास्ता, लेकिन ये बोल रहे हैं भाई साहब कि ये बहुत आपके लिए मुसीबत होगी, मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से झाड़ियों में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन मेरी शॉर्ट शर्ट है, टी शर्ट पहनी हुई है और काम मस्त हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। यस, तो ये रास्ता है। गाइस अभी तकरीबन पहुंचने वाले हैं, लेकिन जो वाटरफॉल चल रही थी ना उसकी एंडिंग तक पहुंच गए और यहाँ पे ये पानी ज़मीन में से निकल रहा है और इसी तरह से पानी बन रहा है। ये देखें, ये थोड़ा थोड़ा सारे पहाड़ों में से मिलके नहर बनती है और फिर ये जाते हैं डैम जो बन रहे हैं। अब देखो ये पानी यहाँ पर, ये देखें, हाँ ये डैम में जाके इकट्ठा हो रहा है ना। अब देखो ये पानी बन रहा है यहाँ से, ये ऐसे हो रहा है और ये एक वाटरफॉल बन रही है और इसमें से बिल्कुल पानी, साफ पानी बन रहा है। ये देखें ये पानी, और यहाँ से ज़मीन में से निकल रहा है पानी, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियरली, सबसे ज़्यादा पानी यहाँ पे निकल रहा है और यहाँ से पूरा का पूरा डैम बन रहा है। बस ये है ऊपर वाले के नज़ारे जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, और काफ़ी मज़ा भी आ रहा है और इन्जॉय कर रहे हैं भाई साहब की वजह से। यार किसी ना किसी का हाथ तो होता है, ये बंदे में जुनून होना चाहिए, मंजिलें खुद ही मिल जाएंगी और मदद करने वाले खुद ही मिल जाएंगे। तो जिसी तरह से हमें निर्भू भाई मिले और हम गौमुख पर्वत वाटरफॉल गए थे, वहाँ पे अंकल जी मिल गए, तो भाई जस्तुजू होनी चाहिए, मंजिलें खुद ही मिलती जाएंगी। इस वजह से मैं यही कहता हुआ चलता हूँ, आप जो काम कर रहे हो, चाहे स्टडी हो, कुछ भी क्रिएट करना है, कनेक्टेड रहो, यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। एक और न्यू एक्सपीरियंस होने वाला है, इसमें हम जा रहे हैं और भाई साहब तो चले गए। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी ख़तरनाक, जो वाटरफॉल नज़र आ रही थी ना इसके अंदर हम आ गए। हाँ भैया, तो भाई साहब कहाँ लेके आए, तो जय भाई ये अंदर भी घुस गए, देखें तो भाई साहब मुझे यहाँ पे लेके आ गए। भैया सही बात, सही है। तो भाई ये भी एक एक्सपीरियंस है और काफ़ी ख़तरनाक वाला, ये मुझे पूरी अपनी ट्रिप है ना ये सबसे ख़तरनाक लगा। ये देखें यहाँ पूरा अंधेरा और यहाँ से हम आए हैं, ऊपर पत्थर है और भाई साहब बोले चले भाई कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वाटरफॉल, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और मुझे थोड़ी फीलिंग, मेरी समझ सकते हो कि मेरी फीलिंग क्या है। तो ये देखें भाई अभी यहाँ से निकलते हैं, चल आगे सफ़र अभी पड़ा है, तो फिर अभी बाहर आ चुके हैं और अभी यहाँ से पीने के लिए पानी भर लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं थोड़ा आगे, और धूप भी निकलती आ रही है। वैसे धूप है लेकिन यहाँ पे पहाड़ है, कुछ पता नहीं चलता, छाँव कुछ ज़्यादा ही होती है उस वजह से। बहरहाल काफ़ी तगड़े वाला एक्सपीरियंस, आई होप यू विल बी इंजॉइंग, आप लोग मज़े ले रहे होंगे लेकिन यहाँ पे मज़े हो रहे हैं। तो अभी आगे चलते हैं। आगे निकल चुके हैं और ये रास्ता हमें चेज़ करके आ चुके हैं ये सारा, तो अभी आगे निकल रहे हैं। ओके, सफ़र देख लें कितना कठिन है। अभी अबे अभी ऊपर जाना है यहाँ पे, और धूप देखें टाइट वाली हो रही है, चले भाई निकले हैं तो मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे, मसले मसाए और प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी तो मज़ा है यार। यार रास्ता बना रहे तो भाई, चलो ऐसे ही रास्ते बनते हैं। यहाँ तक हमने 3 से 4 रेस्ट लिए, अभी रेस्ट करके दोबारा से सफ़र शुरू होता है। और असल में मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी वो कर रहा हूँ ना, ट्रैवलिंग या वॉकिंग कर रहा हूँ, ऊपर चढ़ रहे हैं, तो उस वजह से मेरी सांस कुछ ज़्यादा ही फूल रही। भाई साहब जो मज़े से जा रहे हैं उनको कोई टेंशन ही नहीं है, मैं गधे की तरह
ऐसे हो रहा भाई, क्या करूँ यार, नया बंदा हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जैसे घुमाएंगे तो ऐसे ही होगा। बहरहाल अभी पहुँचने वाले हैं, फिर वहाँ पे बैठ के रिलैक्स होके पूरा का पूरा एरिया का व्यू दिखाएंगे जहाँ हम पहुँचेंगे वहाँ से। बस फाइनली अभी टॉप पे पहुँच चुके हैं और मेरा ड्रीम यहाँ पे कंप्लीट होता है, ऊपर पहुँचने का, चोटी लाइफ का नहीं बल्कि मेरा एक ड्रीम था कि मैं टॉपेस्ट पहाड़ी पे जाऊँ, तो यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। सबसे बड़ी पहाड़ी यहाँ नंगर पार्कर में सेकंड नंबर पे ये पहाड़ है, जो टॉप थी वो दूर रह गई, इस वजह से नहीं आ पाए, लेकिन यहाँ पे पहुँचते हुए भी बहुत सारे रास्ते कठिन तय करने पड़े। और यहाँ से आप पूरा का पूरा व्यू देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे यहाँ पे बैठे चक्कर आ रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो, मैं जब नीचे देख रहा हूँ ना मेरा सर घूम रहा है, इतना ऊपर है। ओ ये नज़र आ रहा है, ये मंदिर नज़र आ रहा है, यहाँ से हम आए और ये पूरा का पूरा व्यू, ये आपको डैम नज़र आ रहा है, और यहाँ से घूम के टॉप पे तकरीबन आधा घंटा बैठे पानी वगैरह पिया, और काफ़ी मज़ेदार सफ़र रहा, आप लोग भी इंजॉय करते आ रहे होंगे। लेकिन यहाँ भूखे पेट में टॉप पे पहुँचा हूँ, रियली बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया लेकिन पहुँच गया, कृष्णा जी की कृपा से हम बिल्कुल आसानी से पहुँच गए, कोई इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आई, थोड़ी बहुत तो आती हैं इतनी ज़्यादा नहीं, बहरहाल हम पहुँच चुके हैं, भाई साहब ने यहाँ पर पहुँचा है, और अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकलते हैं, पानी वगैरह पी लिया है, निकलते हैं थोड़ी देर के बाद। और कृष्णा जी ने मेरी सुन ली, तो अभी भाई साहब बराबर में घूम रहे थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई चांग पी के जाना, तो भाई कृष्णा जी अपना पार है, कहीं ना कोई हमारे लिए कोई ना कोई जुगाड़ बना लेते हैं, चलें कहाँ से रास्ता, तो अभी चलते हैं भाई चाय पी लेते हैं, भूख लग रही थी तो चाय मिल गई, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे तो भाई साहब मिल गए उनके पास चलते हैं। और मोबाइल की बैटरी भी अभी थोड़ी सी कम हो गई है, असल में मैं लाइव गया ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई बैठे बैठे, तो उस वजह से, तो अभी चाय पीते हैं वहाँ पे जाके, मिल के पास पहुँच चुके हैं, तो ये भाई अभी चाय बनाएंगे। और हम पहले थे वो नज़र आ रहा है ना पहाड़, वो टॉप पहाड़ है उस पर थे, अभी यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर बैठते हैं, चाय भाई साहब बना रहे हैं, चाय पी के फिर यहाँ से निकलेंगे वापसी अपने ठिकाने पर। चाय बन रही है, इसमें पानी डाला, अभी धो रहे हैं, तो ये अपना मटेरियल सारा साथ लेके निकलते हैं। बांसुरी कौन बजा रहा था, देखिए इनके पाँव कैसे, फिर भी ये देखें इनको कोई डर नहीं है, तो कैसे आग जला दिए, लेकिन लग गई आग, लगा दी आग, लगा दी भाई साहब ने आग लगा दी, तो ये भी दूध वाले भाई साहब अभी तक नहीं आए, तो गए अभी दूध वाले भाई साहब आ चुके हैं, और अभी बनाएंगे चाय, यहाँ पे लगेगी आग, और अभी चाय और फिर चाय, दूध है और ये पत्ती, पत्ती की बड़ी पैकेट लिया है, कड़क वाली चाय बन रही है, जंगल में चाय है ये, जंगल में नहीं पहाड़ों में, और ये है चीनी, मीठी भले कर कम करना नॉर्मल, भाई ये सब मिक्स हो गया, अभी आग भी इस तरफ जल गई है, अभी ये बकरियां चरा रहे हैं, यहाँ पे अकेले होते तो कभी कभी बांसुरी भी बजा लिया करते, पर बकरियां चरा रहे हैं पहाड़ों में, तो उनके पास एक और कला भी है, चलो भाई वो भी देख लेते हैं, आए हैं तो भाई साहब की भी सुन ले और थोड़ा सा अपना दिल भी खुश कर ले।
जैसा आप लोगों ने सुन लिया, काफ़ी बढ़िया म्यूजिशियन भी। अब देखो, बंदा बोर होता है तो एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ना कुछ चीज़ होती है। तो चाय हमारी अभी रेडी हो चुकी है और काफ़ी मस्त इंजॉय हो रहा है। सोचा नहीं था कि इतना भी इंजॉय करने के लिए मिलेगा। तो पत्ती यहाँ पे कम है मेरे ख्याल से, तो उस वजह से भाई साहब ने दोबारा से पत्ती लगा दिए। तो आप लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, सपोर्ट करिएगा। तो ऐसे लाइफ जर्नी बहुत सारी देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन अभी चाय पी लेते हैं और फिर देखते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से। साहब ने जाए पिलाइए, बहुत बहुत धन्यवाद जो भूख लगे प्राणी को चाय पिला दी। चल सही भाई, अभी इस जर्नी को यहीं पे एंड करते हैं। जर्नी यहाँ पे एंड हो रही है। असल में ये व्लॉग बहुत ही बड़ा हो चुका है, तो उस वजह से आज का व्लॉग इन पहाड़ी लोगों के साथ ही एंड करते हैं, तो उसका मज़ा ही अलग है। और फिर शाम को देखते हैं, दूसरा अगर कहीं जाते हैं तो वहाँ पे दूसरा व्लॉग का स्टार्ट लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक मूवमेंट में अपनी याद रखूँ। उस वजह से दिन में दो व्लॉग बनते हैं, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, ताकि जो भी मैं सीन ले रहा हूँ या फिर जो भी मेरे पास पार्ट हो रहे हैं, तो मैं उसको प्रॉपर तरीके से आपके साथ शेयर कर पाऊँ कि क्या क्या मूवमेंट थे। तो मैं इतनी ज़्यादा क्रॉपिंग नहीं कर रहा, मेन मेन पॉइंट ले रहा हूँ। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो इन भाई ने भी आपको कुछ ना कुछ म्यूजिशियन सुना दे और इन्होंने हमको पूरा पूरा ये ब्रह्मांड घुमाया। सो काफ़ी मस्त मज़ा आ रहा है, धूप भी निकल चुकी है, खाना भी नहीं खाया है, फिर भी व्लॉग को एंड करते हैं। चाय पी के शुरू किया था, चाय पी के एंड कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं कोई नए व्लॉग के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बकरियों के कुछ बुलाने के कुछ तरीके भी होते हैं, जैसे जंगल के लोग होते हैं कि बकरियों को बुलाना कैसे और उनको इकट्ठा कैसे करना है, वो कुछ आवाज़ें हैं। चलो भाई वो भी सुन लेते हैं। फाइनली अभी नीचे आ चुके हैं, लेकिन यहाँ का जो वापसी में रास्ता बहुत ही मुश्किल था। मेरे टांगे कांप गई है कसम से, तो यहाँ से नीचे उतरना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। हम घूमते गए थे टॉप पे, लेकिन वापसी में उतरते मेरी तो हालत हो गई है, टांगे ऐसी कांप रही है। बहरहाल अभी पहुँचने वाले हैं घर पर और वापसी का सफ़र भी, असल में कुछ खाया पिया नहीं है ना, उस वजह से टांगे कांपी, वरना तो नहीं कांपती इतनी आसानी से। Oh, 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 oh